الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين. سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المعيد المصطفى الامجد محمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الارض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك. علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهيرهم تطهيرا. على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغذيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد.

का जो पैगाम है उस पैगाम को हकीकी मानों में समझना और उसके ऊपर अमल करना इन मजलिसों का मकसद है जब तक हम करबला को उन निगाहों से नहीं देखेंगे जिस मकसद के लिए सैदुलशहदा अब अब्दुल्सैन सलाम ने मदीना छोड़ा था और जिस मक़सद को अपने साथ लेकर निकले थे अगर उस मक़सद को हम समझ नहीं पाए तो अजीज़ा ग्रामी मजलिसों में तो आते रहेंगे मगर ज़िंदगी में आयात में कोई तगैर कैफ़ में कोई तगीर पैदा नहीं होगी सैदुलशहदा जब मदीना छोड़ के निकले हैं तो इमाम सलाम ने मुहमद हनफ़िया के नाम एक वसीयत छोड़ी और वो वसीयत लिख के छोड़ी और उस वसीयत में सैदाल ने अपने भाई से अपना मकसद बयान किया किस लिए करबला जा रहा हूँ किस लिए कोफे का सफर इख्तियार कर रहा हूँ मेरे जाने का मकसद क्या है उसमें सैदुल शहदा ने लिखा इन अखरुज अशरों बकर मुफसदों वाला वालमा मैं नहीं छोड़ रहा हूँ करबला फसाद मदीने को फसाद फैलाने के लिए ना मैं कोई शहरत हासिल करना चाहता हूँ ना ही ये हासिल करना मेरा मकसद है मेरा एक खास गोल है एक खास मकसद है वो क्या है लि लि उम्मत मैं निकल रहा हूं मेरे की उम्मत की के लिए निकल रहा हूं और मेरा प्राइमरी मकसद यह है उद व बिलमूफ वनिल मुनकर मैं चाहता हूं कि अमर बिलमूफ करूं और नहीं अनिल मुनकर करूं यह पैगाम ये मकसद निकलने का मकसद फमन कबील कबूल الحق, जिसने मेरी इस दावत को कबूल किया फरमाते हैं और जिसने नहीं किया फ्लहिमन तो मेरे और उनके दरमियान अल्लाह बहुत ज्यादा हुक्म करने वाला है अजीजा ने ग्रामी यह मकसद था सैदुलशहदा का करबला से निकलने का मदीने से निकलने और करबला पहुंचने का ये मकसद था सबसे पहला सवाल यहाँ ये पैदा होता है इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊं सबसे पहला सवाल ये आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला पैगंबर ने जब दुनिया में पैगंबर इस्लाम अपना पैगाम लेकर आए और पैगंबर इस्लाम ने उस पैगाम को लोगों के सामने रखा और कहा कुलू ला कहो ला इल्लल्लाह नजात पाओगे इतने सजदे करते हो इतनी बुतों की पूजा करते हो इतनी बुतों के सामने अपने सरों को झुकाते हो मैं आया हूँ एक मकसद लेकर इन तमाम बुतों को छोड़ दो कहो कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के नजात पाओगे वो शायर कहता है वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है <णिण>। हजार सजदों से देता है आदमी को नजात एक सजदा बस वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को नजात पैगंबर आए ये पैगाम लेकर आए इल्लल्लाह नजात पाओगे कहो इल्लल्लाह नजात पाओगे किस माहौल के सामने पैगंबर ये पैगाम लेकर आए कैसा माहौल था पैगंबर इस्लाम के सामने कौन वो अफराद वो अफराद जो छोटी सी बात के लिए बरसों बल्कि सदियों आपस में लड़ते थे वो जाहिलियत का जमाना जिस जमाने के अंदर पैगाम पैगंबर ये लेकर आए वो ऐसा जमाना था कि जिस जमाने में ना औरत की कोई कीमत थी कदर थी ना मर्द अपने आप को समझता था ना कोई महवर था जिस महवर के मातहत ये ज़िंदगी बसर करते थे नहीं इनके लिए मटीरियल वैल्यूज़ इनके लिए दुनिया को हासिल करना इनके लिए दुनिया को पाना ये सब कुछ था सब कुछ और जब ये जाते थे काबे के अंदर जहां बुत पड़ी होती थी जहां कोई बुत लात है कोई मनात है कोई उज्जा है कोई बारिश के लिए है कोई रिस्क के लिए है उसके पास जाते थे उसकी पूजा करते थे अपनी हाजतें तलब करते थे वापस आ जाते थे समझते थे कि ये बुत इनको सब कुछ देते हैं ऐसा माहौल था पैगम्बर इस्लाम के सामने एक मर्द एक मैन एक इंसान एक मर्द तकरीबन ढाई सौ औरतों से शादी करता था एक मर्द ऐसा अब नहीं है अगर आप चाहें भी तो एक मर्द एक मर्द ढाई सौ औरतों से शादी करता था कभी कभी बच्चा उस अपना बेटा उसका खेलता हुआ सामने नजर आता था तो वो उस बच्चे को देख के उसे याद नहीं रहता था कि किस माँ का बेटा है ये जमाना था जिस जमाने के अंदर पैगंबर इस्लाम अपना पैगाम लेकर आए बुत बनाते थे हाथों से और बना बना के उसकी पूजा करते थे गले में लटकाते थे कभी कभी गेहूं के आटे से हलवा बनाते थे हलवे को अपने हाथों से बुत तराशते थे एक बुत बनाते थे उस हलवे का उसको पहन लेते थे जब रास्ते में भूख लगती थी तो जिस बुत की पूजा करते थे उसी बुत को खा भी लेते थे ये अफराद थे पैगंबर इस्लाम के सामने जिनके सामने पैगंबर ये पैगाम लेकर आए कहो ला इलाहा इल्लल्लाह नजात पाओगे कुछ ऐसे अफराद थे जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम को और इस पैगम्बर इस्लाम की दावत को कबूल किया कुछ ऐसे अफराद थे जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया ऐसे अफराद थे जिन्होंने कबूल किया जिन्होंने कबूल किया बल्कि इसके आगे भी मैं आपके सामने और वजाहत कर सकता हूँ लेकिन यहाँ से मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूं ऐसे अफराद थे उन अफराद में पैग़बर इस्लाम ने सलमान फ़ारसी को पैदा किया उन अफराद में ऐसे माहौल में पैगम्बर इस्लाम ने अबू ज़र गफ़ारी पैदा किया ऐसे माहौल के अंदर पैगम्बर इस्लाम ने बिलाल हबशी जैसी शख्सियत को पैदा किया ये ऐसी शख्सियतें थीं जो पैगंबर के पास बैठती थीं, पैगंबर के साथ रहती थीं, पैगंबर के साथ चलती थीं, पैगंबर के साथ तमाम चीजें पैगंबर के साथ मगर कौन सी चीज थी जिन्होंने इनको पैगंबर का पैगाम सुनने से और उस पर अमल करने से रोका था कुरान कहता है मना अं कौन सी ऐसी चीज थी जिन्होंने इनको ईमान लाने से रोक जबकि हिदायत इनके पास आ चुकी थी इल्ला सिवाय ये असल्लाहु सिवाह रसूला क्या खुदा ने एक इंसान को रसूल बनाकर हमारे सामने भेजा हाँ। ये इनकी आर्ग्यूमेंट थी कि एक इंसान रसूल बन सकता है कभी ये पैगंबर इस्लाम के सामने आके सोचते थे कि क्या एक इंसान रसूल बन सकता है खुदा कहता है لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين اجروا الزمين پر ملائكه رہتے और जमीन पे बातमीनान चलते फिरते होते अगर जमीन वॉज इनहेबिटेड बाई एंजल्स अगर जमीन में मलाइका रहते होते और जमीन पे पर बातमीनान फिरते होते तो हम आसमान से उनके लिए एक मलक को रसूल बनाकर भेजते मगर क्योंकि जमीन में इंसान था इसलिए हमने इंसान बनाकर भेजा इन्नी जा खलीफा मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं रुए जमीन पे इंसान रहता था जिसके पास पैगंबर इस्लाम आए इंसान थे इसीलिए खुदावंद ताला ने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा लाई मकर रसूला अगर मलाइका होते तो मलाइका को भेजते मगर सवाल यह पैदा होता क्या था हबू जर को पैदा कर दिया सलमान फारसी को पैदा कर दिया बिलाल को पैदा कर दिया पैदा करने के बाद पैगम्बर इस्लाम ने एक सोसाइटी कायम की ऐसे लोगों की जिनके लिए तोहीद उनका महवर था जो बुतों की पूजा करते थे बुतों को छोड़ के तोहीद अपने लिए उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाई कैसी तोहीद, तोहीद कैसी तोहद अपनाई जब जंग में जाते थे जंग पैगंबर के साथ जब जंग में जाते थे अफराद तो इनके पास असल भी नहीं थे वेपन्स भी नहीं थे इनफ जब इब्तदा में इस्लाम आया है तो इनके पास इनफ वेपन्स भी नहीं थे इनके पास खाने पीने की चीजें भी इतनी ज्यादा नहीं थी इनके पास घोड़े भी नहीं थे ऊंट भी नहीं थे जब जंग में जाते थे तो पैगंबर इस्लाम उनको हुक्म देते थे ये करना है ये करना है कभी कभी जंग के दरमियान अगर सूखे खुरमे मिल गए तो एक आदमी थोड़ा सा खा के दूसरे को देता था वो थोड़ा सा खा के तीसरे को देता था इस तरह पैगंबर इस्लाम ने एक सोसाइटी एक ईफार का जज्बा एक सेक्रीफाइस का जज्बा पैदा किया था उसके बाद ये सोसाइटी थी ग्यारह या दस जरी को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा तो 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 इस दुनिया से उठ गए पैगम्बर की वफात हो गई एक सोसाइटी बना के पैगंबर इस्लाम ने दुनिया के सामने उस सोसाइटी को रखा अब पैगंबर इस्लाम की वफात हो गई पैगंबर इस दुनिया से उठ गए सन सात हिजरी सिक्सटी हिजरी अट्ठाईस रजब ने मदीने को छोड़ा क्या पैगाम अभी आपको सुनाया मैंने किस लिए निकले थे इमाम? उरीदु अन व अनहा अनिल मैं चाहता हूं कि अम्र बिल मारूफ करूं और न ही अनिल मुनकर करूं सवाल अब यह पैदा होता है कि पैगंबर की वफात से लेकर साठ हिजरी तक मुसलमान वो जो एक खुरमा अकेले नहीं खाते थे मुसलमान जो वो जो बगैर असलहे के लड़ते थे अचानक वही मुसलमान पचास साल के बाद ऐसे हो गए नमाज भी पढ़ने वाले रोजे भी रखने वाले हज भी जाने वाले खुमसो ज़कात भी देने वाले अमरबिलमारूफ के कॉन्सेप्ट को समझने वाले पैगंबर इस्लाम के साथ बैठने वाले पचास साल के अंदर उनकी हालत ये हो गई कि पैगम्बर इस्लाम के नवासे के खून के प्यासे हो गए यही मुसलमान यही यही मुसलमान जिनको पैगंबर इस्लाम ने मुसलमान बनाया था क्या हो गया पचास साल में उनको क्या हो गया वो पैगाम जो पैगंबर इस्लाम लाए थे वो पैगाम को क्या हो गया पचास साल में इतनी हालत खराब हो गई कौम की कि इमाम निकल रहे हैं अपने बच्चों को लेकर अपने घर की मस्तूरात को लेकर औरतों को लेकर निकल रहे हैं और कह रहे हैं इन निकल रहा हूं मेरे जद्द अमजद की उम्मत की इस्लाह के लिए उरीदिलूफ वन मुनकर वह असीर बसी जद्दी निकल रहा हूं मैं क्या हो गया था मेरे अजीज दोस्तों पचास साल में इन अफराध को क्या हो गया इसके आगे मैं एक सवाल पूछता हूं जो पैदा होता है खुद ब खुद अगर पचास साल ने कौम की हालत को ऐसा कर दिया था तो करबला से लेकर आज तक कौम की क्या हालत है अगर पचास साल ने वो भी कौन अल्लाह अकबर मैं कैसे आपके सामने आप ताजुब करेंगे और करते हैं सुन चुके हैं आप मगर दो बातें और सुन लीजिए कैसे अफराद थे उमर इब्ने साद कौन था कौन कौन था उमर इब्ने साद जो करबला में इमाम के सामने आया कौन था उमर इब्ने साद ये साद इब्ने अबी वक्कास सहाबी रसूल का बेटा था हा? आपको तो मालूम है उमर इब्ने साद कौन था साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा जो साहबीय रसूल थे ये था उमर इबनिषाद क्या हो गया उमर इबनिषाद को हालांकि रात को सोचा भी घर पे गया भी बीवी ने भी कहा बेटे ने भी कहा कि नहीं करो अपने हाथों को रंगीन नहीं करो ये फातिमा का लाल है क्या है उसके बावजूद इसके सामने शहरे रहे था और एक तरफ फातिमा का लाल था

बल्कि जिन्होंने सैदा के कत्ल नामे पर दस्तखत की है सत्तर उलमा मक्के में सेवन उलमा सत्तर उलमा वो भी सहाबी रसूल जिन्होंने दस्तखत की है कत्ल कत्लनामा हुसैन के ऊपर क्या ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे नहीं नमाज पढ़ते थे सुनिए कैसी नमाज पढ़ते थे आशूर के दिन आशूर के दिन सैद शुहदा शहीद हो गए फुरात नेजों उछल चुका मुनादी ने आवाज दे दी अलाकत कुसैन भी कर बला सब कुछ हो गया सब कुछ अंधेरा आ गया सियाह आंधी चल गई इन मुसलमानों को नमाज की फिक्र लगी असर के वक्त यही मुसलमान जिन्होंने शुहदा को कत्ल किया इनको नमाज असर पढ़ना थी असर आए किसके पास उमर साद के पास कि हम असर की नमाज पढ़ना चाहते हैं मगर चूंकि अंधेरा है किबला नजर नहीं आता कैसे है किबला आप हमको बताइए और उमर साद कोई मामूली शख्सियत नहीं था उसका जवाब सुनिए बस उमर साद का जवाब क्या है उमर साद का घबराओ नहीं किबला अगर देखना है नौ के नेजा पे सर हुसैन को देखो इसलिए ये सर कभी किबले से अलग नहीं हुआ ये मुसलमान थे मुसलमान नमाज भी पढ़ते थे रोजा भी रखते थे हज किए हुए थे हाफिजा ने कुरान थे कारिया ने कुरान थे मगर इन्होंने फातिमा के लाल के सामने आकर एक जंग को पेश किया फातिमा के सामने आए आशूर के दिन सुनिए सुनिए और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कल से मौजूद आपके सामने पेश करूंगा, आशूर के दिन सैदा ने खुतबा दिया उस खुतबे को भी सुन लीजिए ताकि मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूं। आशूर के दिन सैयदा ने खुतबा दिया है और खुतबे में ने कहा या ए लोगो अनसिबूनी नी मन आना ए लोगो कहो मैं कौन हूं देखिए सैदुल शहदा सिंपथी सीख नहीं कर रहे ताकि लोग सिंपथाइज करें नहीं मगर सैद शहदा पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तारीख में दर्ज करवाना चाहते हैं कि मेरा मकसद क्या है देखो किन के सामने मैं लड़ रहा हूँ फरमाते हैं या अयुहन्नास या माशरन्नास अंसिबुनी मन अना ए लोगो कहो मैं कौन हूँ देखो मैं कौन हूं उसके बाद अपने नफ्सों की तरफ वापस पलट जाओ और हुआहा अपने नफ्सों को झिंझोड़ो सुम्मन जुरू और उसके बाद देखो हल्लकुम कतली क्या तुम्हारे लिए मेरा कत्ल जायज है ये पूछते हैं हुसैन आशूर के दिन मुसलमानों के सामने ثم ارجعوا إلى أنفسكم أبن نفسك كطرف وابس جاو وعاتبوها أبن نفسك كجندرو ثم انظروا أرسلك بعد ذكوا هل يحل لكم قتلى كأمير قتلتهم هاي وبر جائزه أو ليس حمزة سيد الشهداء, عمو کیا حمزة الشهداء میرے عم أبي كا حمزة سيد الشهداء ميري بابا كعم نتة अवलिस जाफर ने त्यार और क्या जाफर त्यार मेरे चाचा मेरे आम नहीं थे अवलम यबलग कुम कोल रसूल इल्लाही ली वली अखी हादानी सईदा शबाबी अहलील जन्नत क्या मेरे नाना का ये कोल तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा कि ये दोनों दो जवानाने जवानाने जन्नत के सरदार हैं क्या ये तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई क्यों क्यों तुम नहीं देख रहे हो तस्माउन क्या बात है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो आगे जाके दूसरे खुतबे में इमाम कहते हैं लकदुत मिनल हराम तुम्हारे पेट हराम खानों से भरे हुए क्या खुतबा है आशूर के दिन क्या पैगाम है आशूर के दिन से का अल्लाह अकबर ये वो लोग हैं जिनके सामने सैदा लड़ मुसलमान हैं मेरे अजीज दोस्तों मुसलमान हैं ये कोई यहूदी और ईसाई और कुफार मुशरकिन नहीं थे ये नमाज पढ़ने वाले थे रोज़ा रखने वाले थे हज जक़ात सब कुछ करने वाले थे उसके बावजूद फातिमा के लाल के खून के प्यासे हो गए ये पैगंबर ये पैगाम लाए क्या हो गया पचास बरस में सलमान फारसी जैसी शख्सियतों को पैदा किया रसूल, जब पैगंबर इस्लाम मदीना से मक्के से मदीने आए महाजरीन को लेकर आए अंसार महाजरीन को भाई बनाया एक दूसरे के साथ रहने का तौर तरीका बताया ऐसे ऐसे सहाबी पैदा किए पचास साल में सब कुछ 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 हो गया कुछ ऐसी कोई शय हो गई कि ये ये भी ना देख सके कि सामने फातिमा कलाल मेरे अजीज दोस्तों तो क्या है मकसद सैयदा का किस मकसद के लिए सैयद शहदा ने मदीने को छोड़ा उसी मकसद को हमें जानना है उसी मकसद को हमें समझना है उसी मकसद को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है क्यों शुहदा ने ऐसा स्टेप उठाया वमा <गण> मना <अन्नस> कौन सी ऐसी चीज थी जिन्होंने इंसानों को ईमान लाने से रोका इल्ला ये के उनके पास एक उज्र था एक एक्सक्यूज था और ये एक्सक्यूज क्या था अब रसूला क्या खुदांद ताला ने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा है वालिहाजर रसूल जब पैगंबर ये पैगाम लाए तो ये पूछते थे वो अमालिहाजर रसूल क्या है इस रसूल को क्या है ये रसूल क्या है या यह अस्वाक ये तो खाना भी खाता है देखिए इनके जहन में रसूल कैसा होना चाहिए वह रसूल क्या है इस रसूल को हा या कुल ये तो खाना भी खाता है वह यम शीफिल अस्वाक ये तो मार्केट में भी घूमता है यानी इनके नजदीक रसूल ऐसा होना चाहिए कि जो खाना भी ना खाए इनके नजदीक रसूल ऐसा होना चाहिए कि जो मार्केट में बाजार में भी ना जाए वह मैं मुबीन जी काना मैं जानता हूँ आपको यासिन जबान याद रमन कान मजीद को हमने पैगम्बर इस्लाम को शेर व शायरी नहीं सिखाई खुदा कहता है और नहीं सिखाना मकसद था وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقلान مبين ये कुरान हमने भेजा है किस लिए ल्युनذرا من كان حيا उन लोगों को वार्न करे जो जिंदा है मुर्दा नहीं कुरान मुर्दों के लिए नहीं आया हमने रिस्ट्रिक्ट किया है मुर्दों तक कुरान को ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है वरना कुरान किस लिए आया ल्युनذرا من كان حيا उन लोगों के लिए जो जिंदा है हम हम हैं कि कब्रस्तान में ही पढ़ते हैं कुरान ये हमारा प्रॉब्लम है ये हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कुरान मजीद को वरना पूरी जिंदगी पूरी हयात कुरान मजीद हर चीज़ आपको ला रत बिन वला या बिसन अताब मुबीन ऐसे लोगों के सामने पैगंबर इस्लाम आए एक मर्तबा जब पैगंबर ये पैगाम लेकर आए और पैगम्बर ने कहा कहो कहोला तो जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि हम नहीं मानते हैं कि आप रसूल हैं कुरान सूर बनी इसराइल की आयतों पर आयतें हैं हम नहीं मानते हैं कि आप रसूल हैं क्या कहा हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि आप जमीन से पानी का चश्मा ना उबाल दें यानी देखिए मैंटालिटी देखिए तब पैगाम समझ में आए और एक इंशाला आपके सामने में एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशन की बात भी करूंगा इंशाला आने वाले दस दिन में अगर खुदा ने तोफी दी तो आपके सामने यह भी बात करूंगा कि हम इंटेलेक्चुअली प्रोग्रेसिव तो हो चुके हैं मगर क्या हमारा प्रोग्रेशन सही डायरेक्शन की तरफ है या नहीं वो भी आपके सामने पेश करूंगा मगर जब पैगंबर इस्लाम ने ये पैगाम लेकर आए जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया उन्होंने कैसे ऑब्जेक्ट किया कहा हत्ता हम उस वक्त तक आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप जमीन से चश्मा ना उबाल दें पानी का सुनिए किससे मोजिजा तलब कर रहे हैं द मोस्ट परफेक्ट क्रिएटेड बाई अल्लाह सुबह किससे मोजिजा क्रिएट कर रहे हैं पैगंबर इस्लाम से मोजिजा तलब कर रहे हैं कौन पैगंबर शायर कहता है कि ईसा ने जनाब ईसा ईसा ने फकत मुर्दों को जाने दी जनाब ईसा ने उनका मोजिजा क्या था मुर्दों को जिंदा करते थे तो शायर कहता है ईसा ने फकत मुर्दों को जाने दी हैं और बेजां को मोहम्मद ने जबाने दी हैं। ईसा ने फक्त मुर्दों को जाने दी हैं और बेजा को मोहम्मद ने ज़बाने दी हैं यह वाकया मिलता है कि अंग्रेजों ने हाथों पे मोहम्मद के अजाने दी उस नबी से मोज़िज़ा तलब कर रहे थे लनूअमिन लका हत्ता तफजुर लना मिन अल-अर्ध यंबुआ हम उस वक्त तक आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप जमीन से पानी का चश्मा ना उबाल दें पैगंबर खामोश रहे पानी का चश्मा नहीं उबाल के दिया उसके बाद आगे बढ़े पैगंबर से कहते हैं किस्सा या तो फिर आसमान टुकड़े टुकड़े करके आप जमीन पे लाइए जैसे आपने कहा कि होने वाला है तब हम मानेंगे कि आप रसूल हैं या तो आपके पास एक ऐसा गार्डन होना चाहिए पैगंबर से कहते हैं या तो आपके पास एक ऐसा गार्डन होना चाहिए एक ऐसा बाग होना चाहिए जिस बाग में खजूर की दरख्त हो जिस बाग में अंगूर की दरख्त हो रखी तफजीरा और उसके नीचे नहरें रवा दवा हो पानी की नहरें तब हम माने कि आप रसूल हैं अल्लाह अकबर पैगंबर ने नहीं किया उसके बाद पैगंबर इस्लाम से कहा أو قرآن مجيد سورة بني إسرائيل أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يا تو آپ ایسا کریں اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ رسول ہیں تو اللہ کو اور اس کے ملائکہ کو ہمارے سامنے لے کر آئیے تاکہ ہم دیکھیں یہ اللہ ہے اور یہ ملائکہ یہ قرآن ہے سورة بني إسرائيل أو تأتي بالله والملائكة قبيلا نہ پیغمبر اللہ کو زمین پر لائے न पैगंबर मलायका को लाए के तुम देखो ये मलायका है क्यों एक मकसद था आओ या लक आकून भर आप क्लेम करते हैं कि आप रसूल हैं तो आपके पास एक घर होना चाहिए मेड ऑफ गोल्ड सोने का बना हुआ हा तब हम माने कि आप सच्ची रसूल हैं देखिए मेंटालिटी है, इंसान की कि रसूल सिर्फ वही हो सकता है जिसके पास सोना हो लीडरशिप वही हो सकता है जिसके पास कुछ हो یہ ہماری او يكون لك بيت من زخرف یا تو اپ کے پاس سونے کا کوئی مکان ہونا چاہیے نہیں اخری اخری طلب سنیے ان کے پاس سے اخری ریکویسٹ کیا تھی پیغمبر اسلام کو کہتے ہیں او ترقى الى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه अल्लाह अकबर इसका तर्जुमा करूंगा आप बहुत हंसेंगे कहा पैगंबर से कहा हम उस वक्त तक आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि आप आसमान की तरफ हुबूत करके न चले जाए अवतर का वलन अली का और हम आपका वहां पहुंचना हुबूत करने पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि आप हमको वहां से एक खत न भेज दे जिस खत को हम पढ़ सकें सलामत पहुंच गए तब हम आप पर ईमान आपको अल्लाह अकबर अल्ला अकबर यानी ये पैगंबर इस्लाम से मोजिजे तलब किए मगर जवाब में खुदा ने तमाम इन रिक्वेस्ट का तमाम इन रिक्वेस्ट जो इन्होंने की उसका तमाम चीजों का एक जवाब दिया खुदा ने एक जवाब कुल मेरे हबीब कह दो सुबहाना हल हलकुंथ इल्ला बशर रसूला कहो पाको पाकीजा है परवरदिगार के साथ मैं एक इंसान हूं ऑर्डिनरी इंसान हल इल्ला हलकुंथ बसूला मैं इंसान हूं मगर रसूल बनाकर भेजा गया मतलब क्या मतलब ये मूसा ने मोजिजा दिखाया मूसा का लेवल मेरे लेवल से कम है ईसा ने मोजिजा दिखाया ईसा का लेवल मेरे मुकाबले में कोई नहीं अगर मैं चाहूं तो हर किस्म का मोजिजा दिखा सकता हूं मैं आया हूं एक मकसद के लिए वो मकसद ये है कि मैं तुम्हें ऐसा बनाऊं कि तुम अगर चाहो तो अपने हाथों से मोजिजा दिखा सको ये मकसद है मेरा कि मैं तुम्हें रेज करूं तुम्हारे इंटेलेक्चुअल लेवल को रेज करूं क्यों नमाज के लिए पैदा किया खुदा ने हमको बस रोजे के लिए पैदा किया खुदा ने नहीं मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं तो मोजिजे दिखा सकता हूं क्या रसूल कौन सा मोजिजा नहीं दिखा सकते थे पैगम्बर इस्लाम किस मोजिजे को सामने पेश नहीं कर सकते थे मगर मोजिजे की जरूरत नहीं थी इंटेलेक्ट आगे बढ़ चुकी थी आपसे मैं इन शाह इसके बारे में कल से गुफ्तगु करूंगा मोजिजे की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि इंटेलेक्ट अब मोजिजे देख देख के इंटेलेक्चुअली सोचना चाहता था कि किस मकसद के लिए परवरदिगार आलम ने मुझे भेजा मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में क्या है खुदा को क्या मिलता है क्या मेरी नमाज से उसके खजाने में कोई इजाफा होता है क्या मेरे रोजे से या रोजा न रखने से उसके ख़जाने में कोई कमी होती है नहीं एक मकसद मैं आया हूं तुम्हें रेज करने के लिए तुम्हारे लेवल को बढ़ाने के लिए तुम्हें एक जगह पर पहुंचाने के लिए कि अगर तुम चाहो तो मलकूत समावाद से भी बुलंद हो जाओ तुम इंसान सबसे बड़ा मोजिजा इंसान है जिसको खल करके खुदा ने अपने आप को मुबारकबाद पेश की हर चीज खुदा ने पैदा की मगर कभी भी अपने आप को मुबारकबाद पेश नहीं की जब इंसान को पैदा किया तो कहा फतेसन खालीन पाको पाकिजा वो जात है जो बेहतरीन खल्क करने वाला है। तो मेरे अजीज दोस्तों पचास साल में क्या हो गया क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद ही को नहीं समझा पैगंबर की सोहबत में बैठने के बाद अचानक न जाने कौन सा तगैिर आ गया कि एक मर्तबा पैगंबर की तमाम सिखाई हुई बातों को और और ताज्जुब ये करेंगे आप कि ये लोग जब आए थे सदु को कत्ल करने के लिए फातिमा के लाल के खून के प्यासे बन कर जब आए थे तोल्ला की नीयत लेकर आए थे मुसलमान थे की की अल्लाह से से हासिल करने की नियत से, फातिमा के खून से अपने हाथों को रंगीन करने के लिए क्यों इसलिए कि नहीं समझे थे कि यह मकसद क्या है मैं किस लिए खल किया गया हूं क्यों परवरदिगार आलम ने मुझे पैदा किया नहीं समझ पाए थे मेरे अजीज दोस्तों मैं भी आदत रखता हूं कि जो वक्त मिलता है उसी वक्त के मातहत अपनी मजलिस को खत्म करता हूं और आज है शब शहादत जनाब सकीना और मैं चाहता हूं कि आपके सामने जनाब सकीना के कुछ मसायब पेश करूं मगर इससे पहले कि मैं मसायब को पेश करूं इसी मजलिस के साथ एक जोड़ आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि ये कैसे अफराद थे करबला में पचास साल के बाद कैसे कैसे अफराद? अली अकबर को शहीद कर दिया यह काफी नहीं था कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो गया यह काफी नहीं था सैयद शुहदा के जिसम मुतहर को घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया यह काफी नहीं था यह कैसे अफराध थे इनके दिलों में इनके कॉन्शियस में इनकी जमीर में क्या हो गया था नहीं शाम गरीबा नन्नी सी बच्ची के कानों से गोशवारे को छीने इनके दिलों पे क्या हो गया था बच्ची की दामन में आग लगी अगर बाबा को बुलाया तो मुंह पे तमाचे मारे अल्लाह अकबर ये कैसे लोग थे कैसे दिल थे इन लोगों के कैसे अफराद थे ये लोग कि जिन्होंने हुसैन की उस नन्नी बच्ची को अपने बाबा के लाशे पे रोना नहीं रोने नहीं दिया जब जब, जब जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत हुई है तो इमारा से जब उनको गिराया गया है एक मरतबा मुस्लिम इब्न अकील ने उसी जगह से आवाज दी सलाम या अबा अब्दुल्ला सलाम हो आप पर ए अबा अब्दिल्ला। कूफे नहीं आइएगा यहां के लोग बेवफा हैं, जब मौला को यह खबर मिली है रास्ते में थे मौला कि मुस्लिम इबन अकील शहीद हो गए तो एक मरतबा कहते हैं कि मुस्लिम इब्न अकील की नन्नी सी बच्ची को बुलाया और मुस्लिम इब्न अकील की बच्ची के हाथों सर पे हाथ रखा शफकत का हाथ रखने के बाद कहा बेटा आज से तुम मुझे बाबा कह के पुकारना बेटा, आज से तुम मुझे बाबा कह के पुकारना अली अकबर को भैया कहना ये तुम्हारे भाई हैं मैं तुम्हारा बाबा हूं नन्ही बच्ची ने एक मरतबा हुसैन की तरफ देख के कहा आप ऐसे हाथ फिराते हैं जैसे मैं यतीम हो गई सकीना ने इस बात को सुन लिया नन्नी सकीना ने एक मरतबा तड़प के पूछा बाबा यतीम कौन होता है यतीम किसको कहते हैं मैं कहूँगा बीवी जब कानों से घोषारे छिन जाए जब मुंह पे तमाचे लग जाए जब दामन में आग लग जाए तब पता चलेगा यतीम किसको कहते आज़ादारा ने इमाम हुसैन ये नन्नी बच्ची आशूर का दिन है आशूर का दिन है बाबा से रुख़त हो रही है बस इसमें तसवुर शर्त है मसायब के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती तस्वुर शर्त है एक मरतबा जब हुसैन आखिरी विदा के लिए आए नन्नी बच्ची के पास आए बेटी सकीना खुदा हाफिज मैं जा रहा हूँ और ये कह के हुसैन ने जैनब के हवाले बच्ची को कर दिया और हुसैन जब निकलने लगे सबसे रुखसत हो गए जुलझना से एक मरतबा मुखातब होकर कहा जुलझना ये आखिरी सवारी है इसके बाद मैं तुम्हें परेशान न करूंगा जब जुलझना ने चलने से इनकार कर दिया और अपनी बेजबानी में एक मरतबा अपने जमीन की तरफ इशारा किया तो मौला ने देखा कि वो चार साल बच्ची मौला ने देखा सकीना घोड़े की सुमो से लिपटी हुई कह रही है सुलझना मेरे बाबा को न ले जा जुलझना मेरे बाबा को न ले जा हुसैन जमीन पर आए जमीन पर आए एक मरतबा एक मरतबा सकीना को सीने से लगाया मेरी लाडली सकीना ऐसे बाबा को विदा नहीं करते बेटा तो एक मरतबा बच्ची ने कहा बाबा बाबा मैं आपके सीने पे सोया करती थी बाबा बाबा आज से मैं कहाँ सोऊंगी कहा तुम माँ के पास सोगी कहा भैया अली असगर कहा वो मेरे साथ सोए दारो रात का वक्त आया हुसैन शहीद हो गए नन्नी सकीना खेमों में नजर नहीं आई सानिय जहरा ने एक मरतबा फुरात की तरफ रुख करके चलते हुए सानी जहरा फुरात के पास आई आवाज दी भैया अब्बास सकीना खेमों में नहीं है क्या सकीना को देखा है जब कोई जवाब न मिला चलते चलते नशेब की तरफ आई आवाज आई खामोश जैनब सकीना मेरे सीने पे सोई हुई जैनब सकीना मेरे सीने पे सोई हुई है सकीना को तसल्ली दी मैं कहूँगा बीबी अब शायद आप समझ गई यतीमी किसको कहते हैं यतीमी इसी को कहते हैं जिसका बाप अपने जिसके बाप का साया सर से उठ जाए उसे यतीम कहते हैं अजहदारा ने इमाम हुसैन यही वो बच्ची है कि जब एक मरतबा आशूर का दिन गुजर गया शाम गरीबा गुजर गई बीबियों के हाथों में रसन बांधी गई नन्नी सक सकीना की गर्दन में रस्सियां बांधी गईं एक मर्तबा ये छोटी बच्ची कूफा भी आई कूफे से जिंदा ने शाम तक पहुंच गईं बस अजादारों बाकी के मसाइब आपके सामने आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करूंगा जिंदा ने शाम में सकीना आई कोई एक ऐसी रात न गुजरी जहां सकीना ने आवाज न दी हो या अब बता मेरे बाबा कोई ऐसी रात ना गुजरी जहाँ सकीना ने अपने बाबा को आवाज न दी हो या बता बाबा बाबा रात को दिन में जब परिंदे उड़ते थे तो नन्नी बच्ची कहा करती थी अम्मा ये परिंदे कहाँ को जा रहे हैं कहा जाता था ये परिंदे अपने अपने घरों को जाते हैं तो नन्ही बच्ची पूछती थी क्या ऐसा कोई दिन आएगा कि सकीना भी अपने घर पलट के हजारो एक मरतबा जनाब सकीना रात को जिंदा शाम में अपने पिधरे बुजुर्गवार अपने बाबा को ख़्वाब में देखती अपने बाबा को ख्वाब में देखती हैं और एक मरतबा जब ख्वाब देखने के बाद जनाब सकीना उठती हैं तो एक दिल में तड़प पैदा होती है आवाज़ देती हैं बाबा कहाँ चले गए बाबा बाबा कहाँ चले गए सानिया जहरा एक मरतबा आई बेटा सकीना क्या हुआ कहा अभी बाबा आए थे बाबा कहाँ चले गए मेरे ख्वाब में बाबा आए थे कहा सकीना तुम्हारे इम्तिहान की मंजिल ख़त्म हो गई गई सकीना तुम अभी मेरे पास आ जाओगी फूफी अम्मा बाबा कहाँ गए बस एक मर्तबा रोते रोते कोहराम बरपा हो गया सानिया जहरा ने रोना शुरू किया उम्मे कुलसूम रोने लगी आबिद बीमार रोने लगे तमाम लोग एक मर्तबा कैद खाने में रोने लगे जब ये रोने की आवाज़ बुलंद हुई यजीद के कानों तक पहुंची तो एक मर्तबा यजीद ने कहा यह क्या हो गया जिंदान में कौन रो रहा है कहा

तश्त के ऊपर जिंदान के अंदर आया यहां से बहुत सी तारीख में बहुत सी बातें मिलती हैं मगर दो तो बातें आप सुन लीजिए जब ये सर तश्त के ऊपर जनाब के सामने आया नन्ही बच्ची के सामने जब ये सर आया है तो एक मर्तबा बच्ची भूपी अम्मा से कहती है मैंने खाना नहीं मंगवाया मैं खाना नहीं चाहती मैं खाना नहीं चाहती जब उस तश्त से कपड़े को हटाया गया खुदा किसी बच्ची को अपने बाप की हालत ना दिखा। खुदा किसी बच्ची को अपने बाबा की हालत दिखाए एक मरतबा कटी हुई गर्दन पे निगाह पड़ी हाथ रख दिया सर के ऊपर हाथ रखा और एक मरतबा दाढ़ी पे हाथ रखा फरमाया या मनी नजीब कह जा माँ एक बाबा आपके खून को किस आपकी दाढ़ी को किसने खून से रंगीन कर दिया नन्नी बच्ची का हाथ कटी हुई गर्दन पे पड़ा एक मरतबा चिल्ला के कहा या बचा बाबा आपकी गर्दन को किसने काटा और उसके बाद एक जुमला कहा है जनाब सकीना ने या बचा आई फी सिखरी बाबा मुझे बचपने में किसने यती यतीम कर दिया मुझे बचपन में किसने यतीम कर दिया ये कह के एक मरतबा मोला के मुंह पे मुंह रख दिया और सकीना सो गई बस अजादारो ये सकीना की आखिरी आखिरी बातें थी सकीना सो गई सकीना ने बाबा के मुंह पे मुँ रखा सकीना सो गई हुसैन की नन्नी बच्ची सो गई एक मरतबा जब आवाज खत्म हो गई जहरा आई बेटा सकीना क्यों खामोश हो गई जब बाजू को पकड़ा तो देखा कि सकीना की रूह गुल जन्नत को परवाज़ सकीना की रूह गुलशन जन्नत को परवाज कर चुकी थी।, इन्ना इन्ना थी।, में थी बहन को दफनाया बहन को भाई ने दफनाया मगर मैं भाई की कैफियत आपके सामने बता नहीं सकता इसलिए क्या तस्वुर शर्त है आप तस्वर कर सकते हैं आबिद बीमार ने अपनी बहन को किस तरह से दफन किया बस आजादारा ने इमाम हुसैन सकीना दफन हो गई सकीना दफन हो गई रिहाई मिली है जब शाम से रिहाई मिली है बस तो जुमले हो जब शाम से रिहाई मिली है जैन अपने बीबियों को गिनना शुरू किया बीबियों को गिनना शुरू किया देखा एक बीबी रीबियों में नजर नहीं आ रही दौड़ के जिंदा ने शाम में आई जिंदान में आई देखा रबाब नन्नी से कब्र के पास बैठ के गिरिया कर रही सकीना सकीना रिहाई मिल गई ही पूछा करती थी ना सकीना घर कब जाएंगे बेटा सकीना रिहाई मिल गई चलो सकीना चलो घर चले जैनब पास बैठ गई दिलासा दिया दिलासा देने के बाद जैनब एक अकमरतबा रबाब को लेकर आईं रबाब को लेकर आईं और रबाब को बीबियों के साथ रख के जैनब दोबारा जिंदान के अंदर आईं सकीना की खबर पे बैठी और जनाब जैनब ने कुछ कहा मगर क्या कहा तारीख नहीं कहती के जनाब ने क्या कहा शायद ज़ैनब ने कहा हो सकीना मैं करबला जा रही हूँ भाई को क्या मुंह दिखा हुई शायद जैनब ने कहा हो बेटी सकीना मैं मदीना जा रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लो जैनब नाना से शिकायत करके तुम्हारे पहलू में जरूरत